हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फैसिलिटी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी डीएलएड 2023 एडमिशन रिलेटेड। यहाँ पे आपको पता है कि रैंक वगैरह जो है वो आपकी जारी कर दी गई। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी कितनी रैंक है। अब यहाँ पे आपको देखना है उस रैंक के हिसाब से कि आपको काउंसलिंग कब करवाना है, कब आपको चॉइस फिलिंग करना है आपके कॉलेज से रिलेटेड। यानी कि ये कुछ विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई। इस विज्ञप्ति में ये चीज़ें लिखी गई हैं किस रैंक से किस रैंक तक जो है आवंटित होंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि संस्थान का विकल्प भरने की तिथि जो है वो 18 सितंबर 2023 शाम से 20 सितंबर तक जो है। एक रैंक से लेकर के 20,000 तक के रैंक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का जो है संस्थान का आवंटन प्रकाशित होने की तिथि जो है वो 21 सितंबर है। बाकी आप लोग चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हो 18 सितंबर से लेकर के। विकल्प जो है वो आएगा 18 से और 20 के बीच। वहीं अगर हम 20,000 एक से लेकर के और 80,000 तक की बात करें तो यहाँ पर 21 से 25 सितंबर। वहीं पर अगर जिनका भी रैंक है 80,000 एक से लेकर के 1.5 लाख तक, वो 27 लेकर के और 31 सितंबर तक अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। और वहीं पर अगर 1 अक्टूबर की बात करें, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, यानी कि 1.5 लाख से लेकर के और 2,40,000 तक जितने भी भर्ती वहाँ पर जा करके अपना अपना करेंगे। उसके बाद उनका जो सीट आवंटित होगा वो 6 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे सबसे पहले लाइन जो इम्पोर्टेंट लाइन आप सभी के सामने दी गई है वो है कि स्टेट रैंक फर्स्ट से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये यानी कि प्रति का भुगतान जो है वो करना होगा। प्रति व्यक्ति जो है 5,000 रुपये यहाँ पर लगेगा, जो कि 15 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक होगा। यानी कि आपके स्टेट रैंक के अनुसार जो भी स्टेट रैंक है फर्स्ट है या फिर 2,40,000 तक जो भी है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जो है वो भुगतान करना पड़ेगा, ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। और आप 15 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर तक का ये संस्थान का विकल्प भरने की तिथि जो है, आप संस्थान का विकल्प जो है वो भर सकते हो। और डिटेल में आपको नोटिस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम पर आप ज्वाइन होकर के वहाँ से भी आप इस नोटिस को आसानी से पढ़ पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।